हेलो दोस्तों, मैं हूं इंदु और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल बालाजी क्लासेस पे। तो चलो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक है हमारा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एमएस ऑफिस है क्या। तो एमएस ऑफिस है हमारा एक एप्लीकेशन पैकेज, एप्लीकेशन सूट भी बोल सकते हो आप इसको, जिसको इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट ने 1990s में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के लिए। तो ये कुछ वर्जन्स हैं इसके, जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। ये एक पैकेज है एप्लीकेशन का, तो कौन कौन सी इसमें एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एमएस वर्ड है इसके अंदर, जो हम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज में लाते हैं। डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, एडिट करना है, उसमें कुछ इंसर्ट करना है, उससे रिगार्डिंग हम काम जो करते हैं वो एमएस वर्ड में करते हैं। उसके बाद है एक्सेल। एक्सेल हम स्प्रेडशीट्स के लिए यूज करते हैं, स्प्रेडशीट बनाने के लिए। पावर पॉइंट, हम अपनी प्रेजेंटेशन को अगर रेडी करना चाहते हैं तो एमएस पावर पॉइंट की हेल्प से हम इजीली रेडी कर सकते हैं। एमएस एसएस, एसएस होता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरीके से ही ये काम करता है और इसको दिया था माइक्रोसॉफ्ट ने। एमएस आउटलुक, जो बेसिकली यूज होता है ईमेल्स को सेंड या रिसीव करने के लिए। अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये पहली तीन एप्लीकेशंस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में जरूर इंक्लूड करूंगी और आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगी कौन कौन से पेपर में किस किस तरीके से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए वर्जन्स देख लेते हैं, कौन सा वर्जन कब आया था। तो जैसे कि ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1990 में, तो इसका फर्स्ट वर्जन 1.0 आया था 1990 में। 3.0 वर्जन आया था 1992 में। एमएस ऑफिस 95 आया था 95 में। एमएस ऑफिस 97 आया था 97 में। एमएस ऑफिस 2000 आया था 2000 में। एक्सपी आया था हमारा 2002 में। एमएस ऑफिस 2003 आया था 2003 में। एमएस ऑफिस 2007 आया था 7 में। 10 आया था 10 में। 13, 16, 19, 21, ये अभी तक के हमारे सारे वर्जन है। ये 13 वर्जन है जो एमएस ऑफिस के हैं हमारे पास। ये जो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं वर्जन 1.0 से लेके 2003 तक, ये सारे के सारे वर्जन एक ही फॉर्मेट पे काम करते हैं और ये सारे वर्जन एक फॉर्मेट पे काम करते हैं। और जो 19 और 21 है ये मैक ओएस के लिए भी है। 19 और 21 जो है हमारे मैक ओएस के लिए भी है। ये हमारा जो अभी आया है, ये अभी फिलहाल दिसंबर में ही आया है, ये दिसंबर में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये था सारा हमारा वर्जन से रिलेटेड। आगे की आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, ये सारी चीजें जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। मैं यहाँ पे सिर्फ वही चीजें बताती हूँ आपको जो सिर्फ पेपर में आने वाली है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।